Hey family, good morning. सुबह हो गई, सोकर उठ गया हूँ, जाता हूँ यार, जाकर होता हूँ थोड़ा फ्रेश और चेंज करता हूँ कपड़े, करते हैं ब्रेकफास्ट, आज दो चार मुझे काम भी है। तो नाश्ते में है आलू और समोसे और पापा सुबह सुबह गरम गरम लेकर आए थे, चाय है, केक है, मम्मी पापा भी बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। आज है डेट 15 अगस्त और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको मुबारक हो, आज हमारा 75 स्वतंत्र दिवस। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। करो 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 करो। वेलकम बैक टू माय चैनल। हे यूट्यूब फैमिली, दिस इज साहिल खान, यू ऑल आर वाचिंग SRP व्लॉग्स। हम भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, मैं तो 13 तारीख से सेलिब्रेट कर रहा हूँ, 13 14 अब हुई है 15, 3 दिन से सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन हाँ यार, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया था, व्लॉग मैं आज खास इंडिपेंडेंस डे पर ही शूट कर रहा हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, तो देखते हैं भाई आज घर के अंदर क्या क्या चल रहा है और तैयारियां हो रही हैं। मुझे तो अभी लेट ही पता चला है, शायद घर पे गैस वगैरह आ रहे हैं कुछ, और पापा तो अभी यहीं पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, सुबह से पापा काम में लगे हुए। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर खाने में क्या क्या बन रहा है। मम्मी बना रही है अभी मटन बिरयानी, चिकन का कोरमा, रायता। तो अभी सब मसाला वगैरह रेडी हो रहे हैं और बाकी सामान है, तो अभी देख लेंगे बीच में जब रेडी होना स्टार्ट होगा। तो यार जो वाइब्स है ना आज इंडिपेंडेंस डे की, शायद इससे ज्यादा कोई प्राउड मोमेंट होता। ये रात सच में मेरा तो दिल ये करता है पूरे दिन सेलिब्रेशन करता रहा। सच में यार ये हमारे पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो भाई देते हैं इसकी क्विक रेसिपी एक, और मम्मी बताएंगी इसके अंदर क्या क्या डल चुका है। प्याज, गरम मसाला, लहसुन, अदरक का पेस्ट, दही, दूध और हरी मिर्च। और यखनी पहले रेडी हो चुकी है और अब यखनी का पानी डलेगा इसके अंदर, फिर चावल डाल देंगे और दम पे लगा देंगे। मजेदार। तो रेडी हो गया दोपहर का खाना और खाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे बाहर घूमने के लिए, देखेंगे क्या सीन है आज का, कैसी तैयारी चल रही है और आप लोगों से भी शेयर करेंगे। A few moments later. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो हमें रास्ते में मिल गए रिंग नेक, और यार ये बड़ी गलत बात है कि इसने आज कैद किया हुआ है इसको 15 अगस्त पे, तो हम एक ले लेते हैं उसको आज़ाद करने के लिए। तो यार एक हमने पेयर खरीद लिया और इसको उड़ा देंगे हम लोग। लो पैसे काटो भाई और आइंदा मत पकड़ना इनको। तो ले लिए भाई हमने पैरेट और घर जाएंगे, और घर जाने के बाद इन्हें छोड़ देंगे, हम आज़ाद कर देंगे आज। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। लेकर आ गया हूँ इंडियन रिंगनेक दो और ये लिए, और यार इनको मैं आजाद कर दूंगा, लेकिन आजाद करने से पहले मुझे अभी एक चीज दिखाई दी है, एक पैरेट के ना पैर में चोट लग रही है, क्योंकि ये लोग बड़ी बेदर्दी से पकड़ते हैं ना इनको, तो इनके पैरों में चोट वोट लग जाती है। देखो ये इसके पैर में यहाँ पर चोट लग रही है। यार ये मासूम सा था, मैंने सोचा था कि जाते ही मैं इसको उड़ा दूंगा, और ये अभी भूखा हो रहा है, शायद इसके बाजू बाजू में भी चोट है। पहले इनकी केयर करेंगे हम, इन्हें कुछ खाने पीने को देंगे, और ये अभी छोटे से ही हैं, अभी बड़े भी नहीं है क्योंकि उसके रिंग नहीं आया है एक पैरेट के। इन दोनों को हम आजाद कर देंगे, वहां पर जो जितने भी थे पैरेट वो सब लोगों ने खरीद लिया और आजाद कर दिया, लेकिन बस एक पैर में इसके चोट थी तो मैंने इसको मना करवा दिया इसको, क्योंकि मैं रिलीज कर दूंगा, पहले इसकी केयर करेंगे हम लोग, इसे कुछ खाने पीने को देते हैं और फिर उसके बाद उड़ा देंगे। ऐसे कोई बाहर की ब्रीड आती है तो यार तो पाल सकते हैं, जैसे बजीज पैरेट हो गया, रिंगनेक बाहर के आते हैं, ऑस्ट्रेलियन रिंगनेक होते हैं, और जेब्रा फिंच वगैरह, तो वो सब तो हम नॉर्मली है कि पाल सकते हैं क्योंकि वो केज के अंदर ही रहती है, अगर यहाँ पर छोड़ेंगे तो वो मर जाती है। लेकिन यार ये इंडियन रिंगनेक है और इसको पालना भी जुर्म है, इसको कैद करना भी जुर्म है, लेकिन हाँ ये है कि हम इसको केयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इनकी केयर हो सकती है, तो मुझे थोड़ी नॉलेज भी है तो मैं इनकी केयर कर दूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग इनको रिलीज कर देंगे, क्योंकि हर किसी को आजाद रहने का हक है यार। वैसे भी आज इंडिपेंडेंस डे है और आजादी का दिन है, तो यार मुझे अच्छा सा ये लगा कि कोई परिंदा या कैद करा हुआ हो और उसको भी हक है यार आजाद रहने का। तो आप भी कोशिश करा करें, अगर आपको दिखाई दिया करें रिंगनेक वगैरह या कोई भी बेचते हो तो उन्हें समझाया करें और उनको रिलीज कर दिया करें। जो इंजर्ड पैरेट था मैंने वो ही खरीदा, मैंने कोई फ्रेश पैरेट नहीं लिया, मैंने इंजर्ड पैरेट लिया क्योंकि हम इसकी केयर करें। तो यार अभी हम शिफ्ट करते हैं इनको बड़े वाले केज में, क्योंकि यार ये केज जो है वो छोटा है, ये अनकम्फर्ट भी है इसके अंदर, तो यार देखो मेरे हाथ के अंदाजे से पता लग जाएगा कितना छोटा था केज। खूबसूरत यार ये इतने से केज में डाल देना बहुत गलत बात है यार ये। देखते हैं जाकर देखते हैं केज, और मेरे ख्याल में वो केज इसके अंदर रखा है, तो मैं पहले केज निकाल लेता हूँ और उसके बाद में फिर हम इनको, फिलहाल तो मेरे पास एक ये वाला बड़ा केज है और तो इसके अंदर पहले शिफ्ट कर देते हैं इनको, और उसके बाद में फिर हम इनको बाहर रख देंगे और फिर कुछ खाने के लिए भी देंगे। एंटीसेप्टिक भी ले लिया दवाई, और अंदर बिछाने के लिए ये हो गया और केज हो गया, बस अब इनको शिफ्ट करते हैं। एक पैरेट को हमने शिफ्ट कर दिया है अंदर केज में, और इस वाले का अभी ट्रीटमेंट होना बाकी है। ये इसके पैर में चोट है, यहाँ पर ये लग रही है पैर में, पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे
और फिर इसको भी इसी के साथ में यहाँ पर रख देंगे और दोनों को एक साथ रिलीज कर देंगे। मैंने मेडिसिन बना ली है, ये ऐसे ही लगाने की कोशिश करते हैं इसके। हम इन्हें खाने के लिए थोड़े से फ्रूट्स और कॉर्न दे देते हैं, उसके बाद में इनके लिए अलग से जो सेपरेट फूड आता है वो लेकर आ जाएंगे। ये अभी बड़े केज में है, थोड़ा तसल्ली से बैठ गए हैं। मैं इन्हें हटाकर यहाँ से रख दूंगा जिससे कि बच्चे भी ना छेड़े। मैंने इनको यहाँ रख दिया है, इनको फूड भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। थोड़ा मैंने इस वाले एरिया में रख दिया था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं थोड़े। ये तसल्ली से यहाँ पर रहेंगे और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता फिर उसके बाद ठीक होने के बाद हम इनको रिलीज करेंगे। तो यार अब मैं भी जाता हूँ, जाकर फ्रेश होता हूँ और चाय वाय पियेंगे फिर क्योंकि शाम होगी है। ये देखो गाइस, पैरेट को मैंने अकेले में सुकून में रखा है तो उसने कुछ खाना भी शुरू कर दिया है। ये वजह थी कि मैंने इनको यहाँ रखा विंडो से, मैं तो अंदर से इन्हें देख सकता हूँ लेकिन ये मुझे नहीं देख सकते। ये आराम से सुकून से और बहुत अच्छे से रहेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। ये चाय और अब चाय पीऊंगा मैं, फिर उसके बाद जुबैर को फोन करेंगे और उसके साथ में जाएंगे हम फूड लेने के लिए पैरेट फूड। वो समा है तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो। जाके पैरेट का फूड लेकर आ गया और ये है कंगनी। तो अब मैं आ गया हूँ टेरिस पर पतंगे लेने के बाद में, क्योंकि यार आज 15 अगस्त है तो हम भी यार पतंग वतंग उड़ाएंगे आज। और यार व्यू देखो इतना प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के अंदर पेंटिंग हुई भी है और हर घर की छत पे तिरंगा लगा हुआ है। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक निगाह मारो वहाँ पर बस अपना ही इंडियन फ्लैग दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ तक देखो। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो यार हमारे घर से पहाड़ दिख रहे हैं और हम भी देखते हैं कि और कितना क्लोज आ सकते हैं। फुल्ली जूम कर दिया मैंने और ये देखो भाई, और ये ऐसा व्यू सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है ना तो दिखाई दे रहा है ये कोटद्वार के पास। तो अब रात का खाना भी रेडी हो चुका है, अब रात का खाना खाएंगे। खा लिया है रात का खाना भी और अब टाइम है ब्लॉग को एंड करने का। अब हो गई है रात और जो गेस्ट वगैरह आए हुए थे वो भी सब चले गए हैं। आज का ब्लॉग एंड, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, एक या दो दिन तक मैं पैरट और रोक सकता हूँ क्योंकि यार उसके थोड़ा सा मतलब वीक हो रहा है वो, कि थोड़ा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो अपडेट अगर आपको जाननी है इससे रिलेटेड और भी व्लॉग आएंगे हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहो ठीक रहो, होगी मुलाकात फिर। अरे मत डराओ उसको, इतनी मुश्किल से जाके तो पेड़ पे बैठे हूँ, सुकून से हो गया अभी यहाँ पर।